हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी के टॉप एवरीथिंग यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेत्री मेघा आकाश के बारे में, जिन्हें तमिल तेलुगू मूवीज़ में काम करने के लिए जाना जाता है। हालांकि इन्होंने हिंदी की एक मूवी और मलयालम की आने वाली कुछ मूवीज़ में ये काम करने वाली हैं। इन्होंने अपने तेलुगू करियर की शुरुआत की थी स्पाई थ्रिलर मूवी लाई से, जिसमें इनके अपोजिट नितिन दिखाई दिए थे। और इन्होंने अपने तमिल करियर की शुरुआत की थी नाई नोकू पयम थोटा से, हालांकि उससे पहले इनकी पेटा रिलीज हुई थी, जबकि रिलीज इकाई नोकू पयम थोटा होनी थी। और इन्होंने हिंदी करियर की शुरुआत की थी सैटेलाइट शंकर से 2019 नवंबर में, जो रिलीज हुई थी। तो आज हम इनका हिट और फ्लॉप मूवीज़ करियर एनालिसिस करेंगे और इनकी हिट और फ्लॉप मूवीज़ के बारे में डिटेल से जानेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए और आप इस चैनल पर नए हो तो यार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की लाई से, जिसका डायरेक्शन किया था हनु राघवपुड्डी ने। कास्ट में थे नितिन, अर्जुन सरजा और मेघा आकाश। मूवी 2017 को रिलीज हुई और डिजास्टर साबित हुई थी। नंबर दो, इन्होंने दोबारा नितिन के साथ दूसरी मूवी की, मूवी का नाम था चल मोहन रंगा। कास्ट में थे नितिन, मेघा आकाश और राव रमेश। मूवी का डायरेक्शन किया था कृष्णा चैतन्य ने। मूवी 2018 में रिलीज हुई और यह भी डिजास्टर साबित हुई थी। नंबर तीन, इनकी तमिल मूवी पेट्टा, जिसका डायरेक्शन किया था कार्तिक सुब्बाराज ने। कास्ट में थे रजनीकांत, शशि कुमार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मेघा आकाश। मूवी 2019 को रिलीज हुई थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, 250 करोड़ कमाए थे इस मूवी ने। नंबर चार, इनकी मूवी वन था राजवंथा वारुवेन, जिसका डायरेक्शन किया था सुंदर सिंह ने। कास्ट में थे टीआर सिलिम्बरसन कास्ट और मेगा आकाश कैथरीन ट्रेसा। मूवी 2019 को रिलीज हुई और फ्लॉप साबित हुई, यह तेलुगु मूवी का रीमेक थी। नंबर पाँच, बॉम्बे रंग, जिसका डायरेक्शन किया था आर खन्ना ने। कास्ट में थे अथर्वा और मेगा आकाश। मूवी 2019 में रिलीज हुई और एवरेज साबित हुई थी। यह किसानों के गंभीर मुद्दे पर बनाई गई एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मूवी थी। नंबर छः, इन्होंने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की, मूवी का नाम था सैटेलाइट शंकर, जिसका डायरेक्शन किया था इरफान कमाल ने। कास्ट में थे सूरज पंचोली, उनकी यह सेकंड मूवी थी, मेघा आकाश और राज अर्जुन। मूवी 8 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। हालांकि इस मूवी की कहानी यूनिक और बहुत ही अच्छी है, एक बार जरूर देखें। नंबर सात, इनाई नोकू पयम थोटा, यह मूवी इनकी 2 साल से रुकती आ रही थी, जिसका डायरेक्शन किया था गौतम मेनन ने। कास्ट में थे धनुष, मेघा आकाश और नसर। मूवी 2019 में रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। नंबर आठ, इनकी आने वाली मूवी और उपका कथा है, जिसका डायरेक्शन कर रहे हैं बालाजी टी। कास्ट में है कालिदास जयराम। आप कमेंट करके बताएं मूवी हिट फ्लॉप और सुपरहिट कैसी रहने वाली है। नंबर नौ, मानु चरित्रा, जिसका डायरेक्शन कर रहे हैं भरत कुमार। कास्ट में है शिवा कुंडुकुरी, मेघा आकाश, योगी बाबू। अनुमान लगाया जा रहा है मूवी 2020 में रिलीज होगी। कमेंट करके बताएं यह मूवी हिट फ्लॉप और सुपरहिट कैसी होने वाली है। नंबर 10, इनकी आने वाली एक और मूवी युद्धम ओरे यावरम कलीर, जिसका डायरेक्शन कर रहे हैं वेंकटा कृष्णा आर। मूवी की लीडिंग कास्ट में होंगे विजय सेतुपति, जिन्हें हिट की गारंटी माना जाता है, और मोहन राजा और मेघा आकाश। मूवी अनुमान लगाया जा रहा है जून 2020 में रिलीज होगी। आप प्रेडिक्शन बताएं यह मूवी हिट फ्लॉप और सुपरहिट कैसी रहने वाली है। तो ये था तेलुगु और तमिल फिल्म एक्ट्रेस मेघा आकाश का हिट और फ्लॉप करियर एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको यह ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो को ट्विटर व्हाट्सएप पर भी ज़रूर शेयर कर देना। मैं ऐसी वीडियो रोज़ाना लेता रहता हूँ, आप इस चैनल से जुड़े रहें और प्रेस को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।